उज्जैन में तीन दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते सोमवार शाम तोपखाना क्षेत्र में एक जर्जर मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में मकान में रह रही महिला की मलबे में दबकर मौत हो गई है, जबकि उसका बेटा घायल है। दरअसल झमाझम उज्जैन में जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया और रात को हुई घनघोर बारिश ने तो शहर को तरबतर कर दिया है। तेज हवा एवं बारिश ने कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है, जिसकी वजह से तोपखाना क्षेत्र में एक कच्चा मकान भरभराकर गिर गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। वहीं उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। घटना की सूचना मिलने पर खारकुआ पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? जैसा की अभी इसने बताया हमें, हमारा भतीजा है ये, की खाना खा रहे थे, मम्मी और दोनों थे ये, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कुछ मिनट बाद ही, मतलब दोनों साथ ही बैठे थे और अचानक से बस छत नीचे आ गई। ये मकान जर्जर था क्या पहले? हाँ, मकान जर्जर तो था, बता रहे थे जैसा। कब से रह रहे थे ये? पिछले 2 वर्षों से वहीं रह रहे थे। करते क्या ही? कौन है यहाँ इनके घर पर? ये दोनों ही है वैसे, मम्मी और ये दोनों, भांजा साथ में रहता, कभी रहता कभी नहीं रहता। वो नहीं था अभी। ये रेलिंग का काम करते, स्टील रेलिंग का। क्या नाम है? मेरा अशरफ नागौरी। इमरजेंसी में एक महिला को खारकुआ एरिया में मकान की छत जो गिर गई दबने के कारण यहाँ लेके आए थे। यहाँ आने के पहले महिला की मौत हो चुकी थी, उनके बेटे को चोट आई है, उनको बी वार्ड में भर्ती किया है। बेटा सर की साथ? ठीक है, अभी इसमें क्या कुछ सामने आया था सर? प्रारंभिक तो दबने से घुटने के कारण ही मौत, बाकी पीएम रिपोर्ट में आ जाएगा। डॉक्टर विजय मरवट, जिला चिकित्सालय उज्जैन। उज्जैन से संदीप पांडला की रिपोर्ट।